बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं साहब? आप लोग ठीक हैं? मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को? सर आज इट्स अ वेरी सनी डे आउट हियर इन वैलेंसिया सिटी, और 4 महीने वैलेंसिया में गुजारने के बाद अगर बंदे को पता ये चले कि वैलेंसिया में एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है, एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है जिसको लोग लिटिल या मिनी वेनिस बोलते हैं, तो यार मेरी इतने टूर करने का मेरा क्या फ़ायदा। तो ये जनाब बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है जिसको बोला जाता है पोर्ट सप्लाया। ये वैलेंसिया सिटी के आखिरी कोने के ऊपर है। इसके बाद ये मेडिटेरियन सी शुरू हो जाता है, और मेडिटेरियन सी के बाद जनाब स्पेन के छोटे छोटे कोनों से होता हुआ ये शुमाली अमरीका और जनूबी अमरीका तक पहुंच जाता है। तो ये आज मैं आपको सैर करवाने लगा हूँ जनाब वैलेंसिया सिटी के मिनी वेनिस की। यार आज मैंने ना पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा साइकिलिंग की है, तकरीबन 10 किलोमीटर। एक दफ़ा पहले भी की थी लेकिन अभी तकरीबन 2 महीने हो गए। 2 महीने के बाद मैं सोलो राइड पर निकला हूँ। यार यहाँ पर मुझे लगता है स्पेन ख़त्म हो गया। ये देखें हाईवे इस साइड पे, इस साइड पे ये जंगल नुमा कोई पता नहीं क्या चीज़ बनी हुई है। मुझे लगता है कम से कम मैं स्पेन नहीं तो वैलेंसिया से बाहर तो आ गया हूँ। तकरीबन 9 किलोमीटर तय कर लिए हैं, स्मार्ट मार्चर गरबू लाए हूँ, तो 1 किलोमीटर रह गए। 1 किलोमीटर के बाद इंशाल्लाह आ जाएगा पोर्ट सप्लाया। अभी तो आ लोरी गलत रास्ता दस देने यार। टोटल मैं गूगल मैप में फॉलो करके आया है, वहाँ पोर्ट तो पहुँच गया है मैं। तकरीबन उतों 200 मीटर है किसी, ठीक है। मैं स्पेनिश एक बिल्डिंग की शक्ल विखाई है, मैं यार है पोर्ट सप्लाया कि जगह पर है, और शोही साहब ने मैंने 2 किलोमीटर इधर भेज दिता है। उतों पूछे तो उन्हें कहा इधर है वापसी जिधरों आए हो तुम। फिर मैं मैप खोल के वेख्या तो जनाब वो बिल्डिंग लंबी नज़र आ रही थी, मैं लो भरावा कामयाब हो गया। लेकिन कोई नहीं सर, 5 किलोमीटर है, तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है। जो आज गुड साइड है वो ये है कि आज मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पर। पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, तो मैं प्लान कर रहा था कि यहाँ के मैंने इस प्लेस को विज़िट करना है, तो आज खुदा की करनी देखी इस तरह हुआ कि मज़ा आ गया। आज बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे, तो इस प्लेस को घूमने का भी आज आखिर चस आएगी। ये है पोर्ट सप्लाया जो कि वैलेंसिया सिटी के नॉर्थ में मौजूद है। बेसिकली ये कोस्टल रेजिडेंशियल एरिया है। इस रीजन का नाम अलबोराया है, और ये इन खूबसूरत और तारीखी घरों के दरमियान में 1970 में तमीर की गई। ये मेडिटेरियन सी से आप नीचे आएँ, हाँ, तो ये आपको बिटवीन द हाउसेस, ये ओल्ड इनके कल्चरल हाउसेस भी यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो हाउसेस के दरमियान में प्रॉपर ये रेजिडेंशियल एरिया था। तो इसके बारे में हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो वो कहते हैं जी ये रिडंडेंट पोर्ट थी, बाद में इसको उन्होंने फंक्शनल बनाया, उस फंक्शनल बनाने के साथ साथ इसकी खूबसूरती में भी इजाफा कर दिया। आप देखें यहाँ पर कलरफुल हाउसेज हैं, ब्यूटीफुल बोट्स हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आप डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट्स वगैरह को भी विजिट कर सकते हैं। ये मेरे पीछे प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया है, आप देखें इनकी प्रॉपर ओपन बैल्कनीज है जहाँ से ये मेन सी का व्यू ले सकते हैं, और ये जो इनके दरमियान में हाउसेज के दरमियान में ये पोर्ट बनाई गई है, और इस साइड को भी ये लोग इन्जॉय कर सकते हैं। अगर आप वैलेंसिया में आएँ तो वीनस नहीं तो मिनी वीनस तो इन्जॉय कर सकते, वेनस या जो भी है यार, अगर एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है ना तो फिर भी यार वेनस जरा इटली का शहर है जनाब, और जरिया गलिया के भी वह नहीं दरिया नहीं बने निके निके वो गल हो रही है फिलहाल ना, ठीक है। अगर तुम जनाब वैलेंसिया आओ ना तो वैलेंसिया आकर जरूर तुम यार ए प्लेस में विजिट कर सकते, स्पेशली इफ़ यू आर कमिंग इन समर। लेकिन अगर आप लोग सनी टाइम में भी आ रहे हैं ना, समर नहीं भी है, तो भाई कोई मसला नहीं, आप यहाँ पर आएँ और आप यहाँ पर आकर कुदरत की खूबसूरती को इन्जॉय कर सकते हैं। इस एरिया की जो चीज़ मुझे फैसिनेट लगी वो ये रेजिडेंशियल एरिया यार। यार जस्ट इमेजिन के वेकिंग अप इन द मॉर्निंग एंड यू सी द ब्यूटी ऑफ मेडिटेरियन सी, जिंदगी के दुख भूल जाएंगे यार। अमेजिंग मॉर्निंग एंड अमेजिंग इवनिंग एंड नाइट्स। सो वैलेंसिया सिटी से मेन जो सिटी सेंटर है वहाँ से ये जो रिजॉर्ट है तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर है, तो आप डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके आ सकते हैं। आप लोग इनकी EMT बस यूज़ करके आ सकते हैं जिसको V112 नंबर सेंटर से यहाँ पे आती है, तकरीबन 10 से 15 मिनट में वो यहाँ पे पहुँच जाती है, और उसकी जो कॉस्ट है वो है 3 यूरोस। इसके अलावा आप लोग यूज़ करके आ सकते हैं इनकी टैक्सी, कैबिफाई भी यूज़ करके आप यहाँ पर आ सकते हैं, और इनकी जो लोकल वैलेंसियन टैक्सी है उसको यूज़ करके भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। जो टैक्सी की कॉस्ट होगी वो तकरीबन 10 से 15 यूरो में, मैक्सिमम 15 यूरो में वो आपको यहाँ पे पहुँचा देगी। और जो थर्ड ऑप्शन है आप वो आप यूज़ कर सकते हैं साइकिल। अगर आप वैलेंसिया में 2-4-5-6 दिन रह स्टे करना चाह रहे हैं तो आप इनकी जो बेहतरीन सर्विस है वैलेन VC उसको यूज़ करके भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि उनके एक स्टॉप के ऊपर उनका बूथ बना होता है, आप वहाँ से साइकिल लें, वहाँ से साइकिल लेकर दूसरे बूथ पर उसको खड़ी कर दें। यहाँ पर भी इनका वो प्रॉपर स्टॉप बना हुआ है, उसको लॉक करें और दोबारा वापस जाना हो तो उसी सर्विस को यूज़ करके आप लोग
जा सकते हैं अपने स्पॉट के ऊपर। सो तीसरी जो मैंने आपको सर्विस बताई है वो यूज़ कर सकते हैं आप लोग वेलन बीसी। यार यहाँ पर वीकेंड का मतलब होता है वीकेंड। मैं अपने भी वीकेंड आते हैं बड़े बड़े, लेकिन बड़ी बड़ी हम फेसबुक पे शायरियाँ कर रहे होते हैं कि वो बचपन वाला आतवार कहीं खो गया। अगर आपने वो बचपन वाला आतवार वापस लेना है ना, तो आप किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में आके देखें यार। यहाँ पे लाइफ बहुत फास्ट है, मोबाइल लाइफ है, लेकिन वो आपसे सिर्फ काम लेने के हवाले से है। आपको यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ से टेंशनों से बालातर होकर यहाँ पर अपनी लाइफ गुजारते हैं, और वो आपको बचपन वाला आतवार और हफ्ता एट द एंड ऑफ द वीकेंड ज़रूर मिलता है यहाँ पर। आप छुट्टी करके आए, आपको छुट्टी वाली फीलिंग आएगी यार। अपनी जगहों पर क्या होता है कि आप छुट्टी करके आते हैं, आपका दिमाग फिर भी कामों में उलझा होता है, घर की टेंशनों में उलझा होता है। यहाँ पर जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे जो एवरेज एज है, मैं अभी स्पेन की बात कर रहा हूँ, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ऐसे ही है, यहाँ पे जो एवरेज एज है ना वो तकरीबन 75 से 80 और 85 साल तक है। 85 साल के बाबे भी जनार बाबे और माइयाँ बेहतरीन अंदाज से माशाल्लाह वो अपना खुद चल रहे होते हैं, अपना सर्कल खुद वो मैनेज कर रहे होते हैं। इतनी ज़्यादा एवरेज एज होने का राज क्या है? वो राज सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये लोग खुश रहना जानते हैं यार। ये लोग किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते यार, हर किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी की खुशियों में खुश होते हैं और किसी की गमी में परेशान होते हैं और उनको सहारा देते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो कि आपकी उम्र में बरकत डालती है वो ये है कि आपका खुश रहना और आपकी ज़िंदगी को इंजॉय करना। कोई ये बहुत बड़ी जगह नहीं है, हाँ तकरीबन 15 से 20-25 मिनट में ये आपकी कवर हो जाएगी, अनलेस कि आप बोट राइडिंग करते हैं यहाँ पर। लेकिन उसके अलावा ये है कि यार इट्स वर्थ विजिटिंग। वेन एवर यू कम हियर डू विजिट दिस प्लेस। ज़रूरी नहीं कि आप समर में ही आएँ इस प्लेस को विजिट करने के लिए, एज लॉन्ग एज द वेदर इज़ सनी सो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप यहाँ पे आके यार ब्यूटीफुल सीन्स को इन्जॉय कर सकते हैं, नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर, एक तरफ मेडिटेरियन सी है, दूसरी तरफ ये हर्बल एरिया, इट्स फैंटास्टिक यार, इट्स वर्थ विजिटिंग। ये जो मेन वेलेंसिया सिटी है ना यार, ये मेनली फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स मेडिटेरियन सी, ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ पे आप रात के वक्त आएँ जनाब, रात के वक्त नहीं सॉरी, आप यहाँ पे शाम के वक्त आएँ और यहाँ पे आके आप पैनोरामिक व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे लोग आते हैं समर में जस्ट ये बीचेस वगैरह को विज़िट करने के लिए। लास्ट डेज में भाई वो तो बॉलीवुड की जो क्या नाम है उसका, निक जोन्स की जो बीवी है प्रियंका चोपड़ा, वो आई हुई थी यहाँ पर, हमसे तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूरी है हमारी यूनिवर्सिटी से, ये वाला जो बीच है मेन एरिया। सो वेल इट्स नॉट द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। तो आप ज़रूर समर में यहाँ पे आएँ, क्योंकि समर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। ये बोट राइडिंग्स आप कर सकते हैं, स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे सर्फ क्लासेस होती हैं, और इसके अलावा जो मेन चीज़ यहाँ पे होती है भाई वो ओपन बीच के ऊपर ओपन सिनेमा होता है, तो मूवी दिखाई जाती है। अगर आप मूवी नाइट को इन्जॉय करना चाहते हैं तो वेलेंसिया इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन। बस करके थोड़ा वीर पूरा है जनाब, अपने माल्टे लैके आया अज वेलेंसिया दे, चेक करो थोड़े ऐसे माल्टे लैके आया थोड़ा वीर है जनाब, मेडिटेरियन सी है गया मेरे पीछे। तो इस तो बाद इधर नु अगर जाओगे ना तो इस तो बाद बरे आजम अमेरिका, जनूबी अमेरिका तो शुमाली अमेरिका स्टार्ट हो जाएगा। ये सर इस तरफों तो एंड है स्पेन का। सर फिजा दे इतनी सुकूनियत है ना यार, मैं दस नहीं सकता थोड़ा यार, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पर यार। मेरा ये कहना यार, मेरा ये मानना है कि आपको एक बंदे के लिए स्पेशली काम करना चाहिए अपनी लाइफ में, एक हस्ती के लिए आपको काम करना चाहिए, उसकी खिदमत करनी चाहिए, और वो हस्ती है आपका अपना वजूद। आप खुद अपने लिए यार अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, दुनिया की टेंशनें पीछे रह जानी है यार, सारे काम होते रहने हैं, आज मार के कल दूसरा दिन हो जाएगा, दुनिया भूल जाएगी, दुनिया उसी फ्लो से चलती जा रही है। लेकिन ये है कि आपको दुनिया अगर भूल जाएगी ना, तो आप अपने लिए भी तो थोड़ा वक्त निकालें ना यार, कम से कम माल्टे लेकर ये समंदर नहीं ढूंढ सकते तो यार कोई नदी लभ लो, कोई नहर लभ लो यार, दो गिलास पानी रख के उन्होंने लागे बह के यार इंजॉय करो लाइफ नू। अगर माल्टे नहीं थोड़े को लै गए तो तुम छत चढ़ के जनाब, छत की ममटी से चढ़ के ना यार चाय नू इंजॉय करो, एक चाय की चुस्की लें और खुदावंद करीम का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह पाक वाए वाए मी, इतनी दुनिया थी यार, करोड़ों दुनिया, अरबों खरबों दुनिया, वो दुनिया में आ सकते थे, वाए मी यार, आपकी तख्लीक का कोई मकसद है यार। दुनिया के काम करें, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया के काम मत करें, लेकिन दुनिया के कामों में अपने आप को ज़रूर टाइम दें, अपने आप से मोहब्बत करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
Thank you.